नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बीएड से संबंधित वीडियो लेके आते रहते हैं, और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज जो हमारा वीडियो है वो है आपका ज्ञान मीमांसा के ऊपर। किसके ऊपर? ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा क्या है, और ये किस चैप्टर में और किस टॉपिक में है और किस सब्जेक्ट में है, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये आपका जो है बीएड सेकंड ईयर। किसका? बीएड सेकंड ईयर। आपका बीएड सेकंड ईयर का टॉपिक है, और ये आपका जो कोर्स है, आपका कोर्स सब्जेक्ट है वो है नॉलेज, लैंग्वेज और करिकुलम, यानी जिसका कोड आता है E303। ये तो हो गई दोस्तों आपके कोड की बात, और आपके बुक की बात हो गई ये सब। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट ही चैप्टर है और फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में आ सकता है या शॉर्ट में आ सकता है। तो दोस्तों, ये आपका यहाँ पर आता, देखो ये इस तरह से यहाँ पर दिया भी हुआ, ये देखिए, ज्ञान मीमांसा यानी इंग्लिश में से कहते हैं एपिस्टमोलॉजी से क्या अभिप्राय है, अथवा ज्ञान मीमांसा का अर्थ, परिभाषा और कार्य क्षेत्र बताइए। ये सब इसमें बताया गया, जो दोस्तों जिस तरह से आपका क्वेश्चन आए उस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए आप छोटी सी इमेज देख रहे होंगे, ये एक ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही इमेज आती है, ताकि आपको पता है कि ज्ञान से संबंधित बातें होती हैं और ज्ञान हमारे माइंड में होता है, और ज्ञान जो आपका माइंड में होता है वो हमें बहुत ही साधना करने के बाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, करते हैं चर्चा टॉपिक पर। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है ज्ञान मीमांसा का अभिप्राय यानी मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी क्या है, यानी ज्ञान मीमांसा क्या है। तो इसे पढ़ने के लिए हम बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है, साधारणतः ज्ञान मीमांसा को दो शब्दों ज्ञान और मीमांसा से मिलकर बनाया है, यानी दो शब्दों से मिलकर ज्ञान और आपका मीमांसा से मिलकर बना है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, यानी एक दर्शन शास्त्र की ही शाखा है, जिसमें ज्ञान से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्नों की अर्थ की मीमांसा की जाती है या हो। यानी क्या होता है, ज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन क्वेरी होती हैं, इसके अंतर्गत इसी की क्या की जाती है, खोजबीन की जाती है, इनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान से संबंधित मीमांसा के अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं, तथा किसी ज्ञान की विवेचना करते हैं, अर्थात अच्छे प्रकार से खोजबीन करते हैं, स्रोतों के बारे में पता लगाते हैं आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, यानी किसके? मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। क्या? कि इन सब कार्यों की, इन सब प्रश्नों की जो खोज करते हैं वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? मीमांसा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा को भली भांति प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले हमें दोनों शब्द ज्ञान, किसको? ज्ञान, और तथा मीमांसा को अलग प्रकार से समझना होगा। जैसे कि आपको ऊपर बताया दोस्तों कि ये दो शब्द मिलकर के ज्ञान मीमांसा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञान का अर्थ जान लेते हैं कि ज्ञान आखिर होता क्या। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ नॉलेज। किस? मीनिंग ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की व्यापक परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बहुत ही आपको साधारण शब्दों में भाषा इसका आपको परिभाषा नहीं दे सकती, लेकिन कुछ अलग अलग विद्वान होते हैं तो सबका मानना अलग अलग होता। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने या दर्शन शास्त्रियों ने अपने अपने विचार धाराओं के अनुसार ज्ञान को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन इन सभी का अर्थ देखें तो इनका संबंध एक द्रव्य से है, अर्थात जहाँ संपूर्ण संसार में, इसका यहाँ पे आपको खोल के दे भी रखा कि जहाँ द्रव्य का अर्थ संपूर्ण जगत में विद्यमान प्रत्येक पदार्थ से है, यानी एक छोटे से द्रव्य से ना होकर के जगत में, ब्रह्मांड में जो भी सब कुछ है वो सभी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अथवा सत्य से होता है, यानी इन सब विचारकों के, दर्शन शास्त्रों की जो भी परिभाषाएँ आती हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं कि जो कि हम ज्ञान जो है, जो प्राप्त होता है वो द्रव्य होता है और एक सत्य होता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ज्ञान के बारे में क्या बताया गया। तो यहाँ पे देखा, ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण दो शब्द ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जो जानने वाला होता है, और ज्ञेय का मतलब जिसके बारे में जाना गया हो, यानी दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञाता और ज्ञेय। यानी ज्ञाता वो होता है जो ज्ञान को जानता है, और ज्ञेय वो होता है जिस ज्ञान को, यानी जिस ज्ञान, जो ज्ञान लिया है उसे किस प्रकार जाना गया हो, है ना। तो ये ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध हो जाता है कि पारस्परिक संबंध को ही ज्ञान माना जाता है, यानी जब तक ये दोनों पूर्ण ना हो, दोनों एक दूसरे से संबंधित ना हो, तब तक ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। जिसमें पता चलता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञाता और ज्ञेय दोनों की उपस्थिति होना आवश्यक होता है, अर्थात
साधारण शब्दों में समझा जाए तो संसार में संपूर्ण द्रव्य अर्थात किसी भी प्रकार के तथ्य के बारे में ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है। यानी कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी विचार है, कोई भी धारणा है, ये सब क्या होती है? एक तो ज्ञाता होता जो आपके सामने मान के चले मनुष्य है, मनुष्य एक ज्ञाता हो गया, और ज्ञेय वो होता है जिस ज्ञान को वो प्राप्त करता। तो यानी जिस वस्तु के बारे में प्राप्त करे, किसी विचारधारा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, ये ज्ञेय वो हो जाता है जो उसे जानना होता है। और ये क्या होता है, इनमें इंद्रियों का आपस में कनेक्शन होता है, इनके माध्यम से ज्ञाता को ज्ञेय का प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञाता को पदार्थ के संबंध में एक चेतना का अनुभव होता है, यानी एक विचार उसके अंतर्गत मन में उपस्थित होता है, उसके मन में चेतना विचार का अनुभव होता है, जिसका अस्तित्व एक विशेष गुण होता है। इस गुण विचार अथवा अनुभव या चेतना के गुण के प्राप्त होने को ही ज्ञान कहलाते हैं। यानी किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में हमें जो भी ज्ञान, जो भी चेतना, अनुभव, गुण विचार सब प्राप्त होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान के अंतर्गत। तो यह हम इस तरह से ज्ञान की परिभाषा हमारी संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग वाद, यानी वाद जो होते हैं आपके जानते हैं, जैसे आपके जो इसमें आते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, और बहुत सारे वाद हैं इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही वाद की बात की है कि ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। जैसे आदर्शवाद, आदर्शवाद ने चेतना को ही ज्ञान की संज्ञा दी है, यानी जो भी मनुष्य के अंदर चेतना उत्पन्न होती है किसी के प्रति, वो ही क्या है, ज्ञान है। तो आगे हम और वादों को पढ़ेंगे, तब उससे पहले अभी फिलहाल यही कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये देखिए अब आ जाता है, अभी तक तो हमने ज्ञान का अर्थ पढ़ा, अब आता है मीमांसा का अर्थ। क्योंकि अब तक हम ज्ञान का अर्थ पढ़ रहे थे, और ज्ञान के आगे जो बढ़ते हैं तब हमें मीमांसा के अंतर्गत आना पड़ता। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, जब मनुष्य को किसी तरह से किसी द्रव्य के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह है उसके बाद उसके मस्तिष्क में उठने वाले सवाल उस ज्ञान के प्राप्त होने की वजह तथा उससे संबंधित तथ्यों के बारे में अनेक प्रश्न उठते हैं। यानी अब तक क्या था, अब तक मनुष्य ने क्या किया था, ज्ञान को प्राप्त किया था, किसी तरह से ज्ञान को ज्ञाता और ज्ञेय के माध्यम से प्राप्त किया गया। लेकिन उसके बाद जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हमें मस्तिष्क के अंदर कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान कैसे हुआ, ये ज्ञान कहाँ से आया, ये सब वाक्य वगैरह वगैरह, ये सब सारे क्वेश्चन जो उठते हैं, ये मीमांसा के अंतर्गत उसका हल ढूंढा जाता है। तथा उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा ही ज्ञान क्या, कि ये वाली जिज्ञासा होती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा ज्ञान का स्वरूप कैसा है और ज्ञान का विकास किस प्रकार होता है, आदि प्रश्नों का उत्तर खोजना ही मीमांसा कहलाता है। यहाँ पर लिखा भी है कि इन सब का उत्तर खोजना ही क्या कहलाता है, मीमांसा कहलाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, साधारण शब्दों में सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ लिखा, साधारण शब्दों में समझा जाए तो जब किसी ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाता है, तो उस ज्ञान के पीछे के छिपे तथ्य तथा उस ज्ञान से और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा यानी प्यास ही क्या कहलाती है, मीमांसा कहलाती है। कि ज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी उठती हैं, उन सबको ढूंढना किसके अंतर्गत आता है, मीमांसा के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम जान लेते हैं कि आखिर ज्ञान और ज्ञान मीमांसा क्या होती है। दोनों को एक साथ रखें तो क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान के बाद जो हमें कोई क्वेरीज होती हैं उस ज्ञान के प्रति, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं, मीमांसा के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमारी ज्ञान मीमांसा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आता है कि ज्ञान मीमांसा में मन ज्ञान से संबंधित निम्न प्रकार के मीमांसा की जाते हैं, यानी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ज्ञान और ज्ञेय, सॉरी ज्ञाता और ज्ञेय क्या है, यानी ये क्या चीज़ है, ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध क्या है। इसके बाद आती है अंतर्वस्तु और बाह्य वस्तु, यानी ज्ञान अंतर के अंतर की वस्तु में कहता है, यानी हमारे अंदर के शरीर में कैसा, और हम बाह्य देखते हैं तो बाह्य कैसा, यानी हमारी अंतर की विचारधारा क्या है और बाह्य से उसका स्वरूप कैसा। उसके बाद आते हैं ज्ञान की पदार्थता, ज्ञान सार्थक है, निरर्थक है, कैसा है, ज्ञान की पदार्थता के बारे में इसमें क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद ज्ञान की सीमा और स्रोत, यानी हमें किस स्रोत से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और किस सीमा तक प्राप्त हुआ, इसमें इसकी क्वेरी की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आता ज्ञान की प्राप्ति, कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है हमें किस माध्यम से हुई है, और इसके बाद किसका
किसका ज्ञान, यानी हमें जो प्राप्त हुआ किस वस्तु का ज्ञान हुआ, किसी विचार का ज्ञान हुआ, अब तो किसी तथ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, किसका प्राप्त हुआ। इसके बाद आ जाता है ज्ञान की वस्तु तथा उसका अस्तित्व, कि आखिर इस संसार में उस वस्तु का अस्तित्व क्या है, कि इस संसार में उस वस्तु का क्या अस्तित्व है और वो किस बारे में बनी है, किस लिए वो बनी है, ये सब विचारधारा आती है। इसके बाद आता ज्ञान में के भेद, के ज्ञान सार्थक है, निरर्थक है, इस तरह से ये सत्य है या असत्य है, ये सब क्या आता ज्ञान के भेद में आता। इसके बाद आता है ज्ञान की प्रक्रिया, यानी ज्ञान की प्रक्रिया कैसी है, ज्ञान की प्रक्रिया कैसी है, कोई नवीन बात तो जोड़ सकते हैं उसमें, ये कोई नवीन बात उससे उत्पन्न हो सकती है, ये सब। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर जाता ज्ञान की स्मृति, विश्वास और भूल एवं निश्चय का सिद्धांत, यानी कोई ज्ञान हमने प्राप्त किया, क्या वास्तव में वो हमें याद है, स्मृति का मतलब याद रहा, क्या उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और भूल हम कितने समय में उससे भूल जाते हैं, और क्या ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ वास्तव में निश्चित है या निश्चित है, ये सब क्वेरी इसके ही अंतर्गत आती है। इसके बाद आता ज्ञान की प्रमाणिकता, कि ज्ञान वास्तव में प्रमाणिक है, कि सत्य है या हर सभी प्रयोगों प्रमाणिक उतरता है, ये सब आता है। इसके बाद भिन्नता और विज्ञान से संबंध, कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से कैसे भिन्न है, इन दोनों में विभिन्नता क्या है और इसका विज्ञान से क्या संबंध है, ये सब क्वेरीज, ये सारे प्रश्न हमारे किसके अंतर्गत उठते हैं, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा और है दोस्तों, ये आगे ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र, ज्ञान मीमांसा की विशेष सामग्री में ज्ञान की प्रक्रिया, विधियां, आलंबन, उसके लक्षण, परिस्थितियों, प्रमाणिकता, शुद्धता इत्यादि की शामिल की जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये उसका क्षेत्र वही है, जो आपके मन में क्वेरी उठती हैं वो सब ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।